हाय दोस्तों, चलिए आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताते हैं, एक ऐसे डिक्शनरी के बारे में बताते हैं जिससे आप कोई भी वर्ड हिंदी का हो या इंग्लिश का हो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ हिंदी डिक्शनरी नाम का एक ऐप है जो काफ़ी बेहतर है। तो चलिए आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले पर जाके आपको हिंदी डिक्शनरी लिखना होगा। हिंदी डिक्शनरी आप जैसे ही लिखते हैं आपको ये ऑप्शन ये वाला आता है, हिंदी डिक्शनरी ऑफलाइन। दोस्तों ये इसमें बड़ी बात ये है कि ये ऑफलाइन काम करता है और बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आप इसे इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना होगा। ओपन करिए, ओपन करने के बाद आप कोई भी वर्ड यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ गो। देखिए इंग्लिश में टाइप करता हूँ गो, तो इससे रिलेटेड जितना भी वर्ड है ये ऑटोमेटिक यहाँ आने लगता है। आने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है यहाँ या ऊपर, तो इससे रिलेटेड जितना भी वर्ड है वो आपको दिखा देगा। जैसे जाना वर्ब, ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जाना। इससे रिलेटेड गो, गेट, वॉल, वेंट, गो अवे, तो ये सारा चीज़ होता है। कम अवे, तो ये सारा चीज़ होता है, तो ये आपको बता दे रहा है। मोर, मोर में भी आपको और सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करिए, म्यूज़िक वाला बटन पे, तो आपको प्रोनाउंसिएट करके बताएगा। तो Go. देखिए इस तरह से ही बताएगा। आप यहाँ से इस वर्ड को कॉपी कर सकते हैं, आप इस तरह से यहाँ पर शेयर कर सकते हैं इस वर्ड को, आप फेवरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करके रख सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो हिंदी में ही सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं हिंदी में सर्च करता हूँ खाना। हिंदी में सर्च करता हूँ, हिंदी में मुझे टाइप करना होगा, तो मैं अपने कीबोर्ड के हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ खाना। अब फिर सर्च करता हूँ, जैसे ही खाना लिख के मैंने सर्च करता है किया तो इसका मीनिंग आ गया ईटिंग, इट मीनिंग रिलेटेड मीनिंग भोजन, जिसे फूड बोलते हैं, मील बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, ईटिंग बोलते हैं, प्रोविज़न बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे सर्च कर सकते हैं और इसका मीनिंग जान सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि हिंदी में भी काम करता है, इंग्लिश में भी काम करता है, और सबसे बड़ी बात कि ऑफलाइन है और फ्री का ऐप है और कोई ट्रायल नहीं है ये। दोस्तों आप जब तक चाहें तब तक फ्री में ही यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे बेहतर ऐप है। आप इसे यूज़ करिए, उसके बाद बताइए आपको कैसा लगा। दोस्तों आप यकीन मानिए ये बहुत ही बेहतर ऐप है, आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये डिक्शनरी, मैंने आज तक जितने भी डिक्शनरी यूज़ किए हैं उसमें से सबसे बेहतर ऐप ये मुझे लगा। और मैं इसे बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अभी तक बहुत लोगों को बताया है, वो भी यूज़ कर रहे हैं और वो भी बताते हैं कि बहुत अच्छा ऐप है। तो आप भी इसे यूज़ करिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।